नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। चुनाव यात्रा में आज जो लोकसभा क्षेत्र अपनी कहानी बताने जा रही है वो पिछले कई दशकों से प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रही है। ये सीट जितनी धार्मिक और सांस्कृतिक है उतनी ही विवादित भी है। इस सीट ने देश में राजनीति को एक ट्रेंड दिया है। पिछले कुछ चुनावों में ये सीट भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर उभर रही है। इस सीट पर लेफ्ट राइट सभी का कब्जा रह चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की लड़ाई सबसे दिलचस्प होने वाली है। हम बात कर रहे हैं राम की नगरी अयोध्या की। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं अयोध्या लोकसभा के इतिहास, भूगोल और राजनीति की पूरी कहानी। धर्म कर्म की नगरी अयोध्या, सुनहरा इतिहास, उज्जवल भविष्य, विवादों से भी रहा है लंबा साथ। लेफ्ट और राइट सबकी रही चॉइस, 24 की बारी, कौन मारेगा बाजी। सरयू नदी के तट पर बसी मैं अयोध्या हूँ, मैं राम की नगरी हूँ। रामायण के मुताबिक मेरी स्थापना विवस्वान के पुत्र मनु महाराज ने की थी। मैं हिंदुओं के साथ पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हूँ, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। पारंपरिक इतिहास में मैं कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। वेदों के मुताबिक मैं ईश्वर की नगरी हूँ। वहीं मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्व वेद में यौगिक प्रतीक के रूप में भी मेरा उल्लेख है। कई शताब्दी तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही। जैन मत के मुताबिक मैं 24 तीर्थकरों में से 5 तीर्थकरों की जन्म स्थली हूँ। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी की भी मैं जन्म स्थली हूँ। कई शताब्दी तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी भी रही हूँ। नवाबों के दौर में मैं अवध की राजधानी थी और मुझे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। मैं धर्म कर्म के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र हूँ। मेरे यहाँ मिलिट्री टेम्पल, गुप्तार घाट, राम की पैड़ी, दशरथ भवन और जन्मभूमि प्रमुख है। आजाद भारत के चुनावी लोकतंत्र में मैं यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 54वें नंबर की सीट हूँ। मैं एक ऐसी जगह हूँ जो हमेशा से धर्म और राजनीति दोनों में प्रासंगिक रही हूँ। मैं धर्म और राजनीति दोनों के केंद्र हूँ। यही वजह है कि मैंने देश के कई चुनावों को प्रभावित किया और कई राजनीतिक दलों को मजबूती प्रदान की है। आजाद भारत में शायद ही कोई चुनाव रहा होगा जब राम मंदिर का मुद्दा ना उठा हो। धर्म नगरी के अलावा मैं शिक्षा का भी केंद्र रहा हूं। 1975 से स्थापित अवध यूनिवर्सिटी और कुमार की कृषि यूनिवर्सिटी इनमें प्रमुख है। मेरे यहाँ पहली बार 1957 में आम चुनाव हुए थे। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के राजा राम मिश्रा चुनाव जीते थे। 1971 तक हुए सभी आम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी को ही जीत मिली। 1962 के चुनाव में ब्रजवासी लाल, 1967 और 1971 में रामकृष्ण सिन्हा मेरे यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। 1977 में कांग्रेस की नजरें 5वीं जीत पर थी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज करके पानी फेर दिया और मेरी जनता ने अनंत राम जायसवाल को चुनकर लोकसभा भेजा। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और जयराम वर्मा ने मेरे यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा प्रतिनिधित्व किया। 1984 में कांग्रेस की टिकट पर मेरे यहाँ से निर्मल खत्री ने जीत दर्ज कराई। 1989 में मेरे यहाँ से कांग्रेस का तिलिस्म टूट गया और मेरी जनता ने CPI के मित्रसेन यादव पर भरोसा जताया। इसके बाद चली राम की लहर में मैं पहली बार 1991 में BJP के खाते में गई। 1991 और 1996 में मेरी जनता ने विनय कटियार को चुनकर लोकसभा भेजा। 1998 में मेरे यहाँ से पहली बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कराई। इस बार मित्र सेन यादव सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1999 में मैं फिर BJP की झोली में गई और विनय कटियार एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। 2004 में मैं BSP के खाते में चली गई। इस बार मित्र सेन यादव BSP के टिकट से लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 25 साल बाद 2009 में
मेरे यहाँ कांग्रेस ने फिर वापसी की और निर्मल खत्री को मेरी जनता ने चुनकर लोकसभा भेजा। 2014 से मैं फिर बीजेपी के कब्जे में हूँ। 2014 और 2019 में मेरी जनता ने लल्लू सिंह को सांसद चुनकर भेजा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी आबादी 24,70,996 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,59,628 और महिलाओं की संख्या 12,11,368। मेरी औसत साक्षरता दर 68.73% है। मेरे यहाँ कुल 17,38,701 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 8,02,604 और पुरुष मतदाता 9,36,036 हैं। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2014 में मोदी लहर की बदौलत ये सीट बीजेपी के खाते में तो आ गई थी, लेकिन सपा और बसपा का मत फीसदी ज्यादा नहीं गिरा था। फैजाबाद सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की 84% आबादी हिंदू और 14% आबादी मुस्लिम है। यहाँ 26% ओबीसी मतदाता हैं, जिनमें यादव वोटरों की संख्या 13% है। यहाँ दलित वोटर्स की तादाद मात्र 4% है, जबकि सवर्ण मतदाता यहाँ 29% के करीब है। यूपी की राजधानी से करीब 130 किलोमीटर स्थित अयोध्या लोकसभा सीट राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा संवेदनशील सीट है। यहाँ से अभी तक 7 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी ने आम चुनाव जीता है। यहाँ के मौजूदा सांसद बीजेपी से लल्लू सिंह हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। सबकी नजरें सीट पर टिकी हुई हैं। यहाँ बनकर तैयार हो रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का क्रेडिट लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरनी जा रही है। वहीं ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटों की गोलबंद के साथ इंडिया गठबंधन भी अयोध्या के रण में अपना प्रत्याशी उतारेगा। इसकी वजह से यहाँ एक बार फिर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। 6 नवंबर 2018 से पहले तक अयोध्या को फैजाबाद कहा जाता था। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली से रामचंद्र यादव और दरियाबाद से सतीश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बीकापुर से सपा के अभय सिंह और मिल्कीपुर से सपा अवधेश प्रसाद विधायक हैं। अयोध्या लोकसभा सीट में मिल्कीपुर ही मात्र सुरक्षित सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से लल्लू सिंह बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। लल्लू सिंह को 5,29,021 वोट मिले थे। उन्होंने 65,470 वोटों से जीत दर्ज कराई थी। उनके मुकाबले सपा के आनंद सेन यादव को 4,63,554 वोट मिले थे। बीजेपी को 49% और सपा को 43% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 5% और अन्य को 3% वोट मिले थे। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्षों के संघर्ष और इंतजार के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम मंदिर निर्माण बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा बना रहा है। यह बीजेपी की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति को खाद पानी देता रहा है। मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट बीजेपी खुद लेना चाह रही है। बीजेपी इसका प्रचार उत्तर से लेकर दक्षिण तक करेगी। ऐसे में विपक्ष के पास इस मुद्दे की काट क्या की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राम मंदिर के खिलाफ उसका कोई भी हथियार उसे हिंदू वोटर्स दूर कर देगी। क्योंकि अयोध्या ही वो मुद्दा है जिसने हिंदुओं को सामाजिक और जातीय बंधनों से दूर करके उन्हें एकता के धागे में बांधा है। ऐसे में भव्य राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट विपक्षी दलों को बड़ा झटका देगा। पिछले 2 चुनावों में अयोध्या की जनता ने बीजेपी को ही लोकसभा पहुंचाया है। अयोध्या में धर्म और कर्म की राजनीति के आगे तमाम जाति समीकरण 10 सालों से ध्वस्त हैं। इस बार देश के तमाम विपक्षी दल ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटों के समीकरणों को साधकर बीजेपी पर हमला करने और उसके मुकाबले की रणनीति बना रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष के पीडीए का सिक्का चलता है या बीजेपी को भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के प्रसाद के रूप में वो यहाँ जीत की हैट्रिक लगा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।